नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TCS पाठशाला के YouTube चैनल पे। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। और इंग्लिश वीडियोस के लेक्चर में आज ये दूसरा लेक्चर है जहाँ पे हम लोग रेगुलर पैटर्न पे क्लासेस कर रहे हैं और आपको इंग्लिश के टॉपिक वाइज लगभग वो सारे जरूरी विषय के टॉपिक जो है वो कंप्लीट करवाएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो लास्ट वीडियो आपने देखा था, प्लेलिस्ट में है अगर आपने नहीं देखा हो तो। हमने एक रिवीजन लिया था बहुत जल्दी से, पूरा डिटेल तो वहाँ नहीं हो पाया था क्योंकि एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने बात की थी टाइम एंड टेंस को लेकर के। और टाइम और टेंस में हमने आपको वो सारी विधियाँ या सारे कॉन्सेप्ट समझाए जिससे कि आप आसानी से टैकल कर पाए परीक्षा को। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आगे बढ़ेंगे जिसे आप नरेशन कहते हैं ना, जिसे पॉपुलरली आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी को कभी कभी आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो आज की क्लास जो स्टार्ट हो रही वो हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, नरेशन के बारे में। अगर मैं बात करूं कि किन परीक्षाओं के लिए यह बहुत आवश्यक है, तो आप जितने भी परीक्षाएं देते हैं, मतलब कि SSC की आप परीक्षाएं देते हैं, तो आजकल जो 25 क्वेश्चन का पैटर्न है उस 25 क्वेश्चन में से कभी कभी दो क्वेश्चन वॉइस के आ जाते हैं और कभी कभी दो क्वेश्चन नरेशन के आ जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन वॉइस और एक क्वेश्चन नरेशन का आ जाता है। अच्छा, ये जो नरेशन है ना, ये एक टॉपिक बनाया तो गया है पढ़ने के लिए, लेकिन नरेशन बेसिकली देखा जाए तो टेंस से भी रिलेट करता है। नरेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंजंक्शन का भी जाता है। नरेशन में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो प्रेपोजिशन के भी जाते हैं। मतलब कि एक कंबाइंड चैप्टर है नरेशन। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नरेशन एक कोई अलग से टॉपिक है। नरेशन को समझने के लिए बहुत अच्छी समझ आपकी बेसिक्स की होनी जरूरी है। नरेशन को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी होता है। नरेशन को समझने के लिए कंजंक्शन को समझना बहुत जरूरी होता है। कंजंक्शन के बाद स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, ये सब समझ अच्छी होगी तो नरेशन में पकड़ बहुत बेहतर होगी। तो SSC के लिए भी जरूरी है। अगर आप स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मान लीजिए कि नरेशन एक बहुत ही स्कोरिंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से आपको वहां पे मिलते हैं। ठीक है, अगर आपके शॉर्ट हैंड जो आप टाइप करते हैं वो बेहतर है। और उसके बाद अगर रिटन में बात किया जाए तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही है स्टेनोग्राफर में। तो स्टेनोग्राफर में 20 प्रश्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के और 20 प्रश्न एक्टिव और पैसिव वाइज के होते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो बहुत ही जरूरी स्टेनोग्राफर में हो जाता है। अगर आप टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको दो प्रश्न जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से मैच करते हैं। कभी कभी एरर पे आ जाते हैं, कॉमन एरर, चार पार्ट दे देगा, बोलेगा किस पार्ट में गलती है, ऐसा एरर आ जाता है। कभी कभी जो है वो कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो ये टेट और सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट वाले भी इसको यहीं पे समझ लें कि सुपर टेट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस टेट के लिए भी ये जरूरी। अगर आप एयरफोर्स की वैकेंसीज देखते हैं तो वहां के लिए भी ये जरूरी है। या मैं कहूं जितने भी पेपर में इंग्लिश आती है सबके लिए आवश्यक है, कहीं पर थोड़ा ज्यादा और कहीं पर थोड़ा सा कम। तो अगर आप इनमें से किसी एक वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपके लिए बेहतर होगा और आपको एक ऐसी समझ डेवलप होगी जिससे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना आप किसी भी समय, इवन मैं कहूं कि सोते समय भी अगर आप ऑप्शन बताओगे तो सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये कोई बड़ी बात है नहीं, जितना हमको लगता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत कठिन है, ये बहुत आसान चैप्टर होता है। बट आपको कुछ बेसिक समझने होते हैं अच्छे से, आपको कंसेप्ट क्लियर रखने होते हैं। और एक बात बताऊं, जब आप 12th में पढ़ते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो वो थोड़ा सा मैं कहता हूं कि कठिन है, क्योंकि आपको वहां लिखना पड़ता है।
लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हैं ना, जहां पे चार विकल्प दिए गए होते हैं 1, 2, 3 और 4 ABCD करके, सो दैट पैटर्न इज ना वेरी इजी. दैट पैटर्न इज इजी, व्हाई? बिकॉज वहां पे तो चार के ही ऑप्शन को एलिमिनेट करने हैं, वहीं पे सारा टेंशन केवल चार ही विकल्प पे देना है मुझे. तो हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से एलिमिनेट कर पाएंगे कि ये वाला गलत क्योंकि ऐसा नहीं है, और क्यों सही है इस पे भी बहुत जल्दी. मतलब मैं कहूं कि उतना ही प्रश्न ये समय लेगा जितना कि आपका जीएस का लेता है, मतलब कि मोस्टली 10 to 15 seconds में आपके क्वेश्चंस कितने भी डिफिकल्ट होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे. हम यहाँ पे बात भी करेंगे और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने का कोशिश भी करेंगे, ढेर सारे प्रश्न यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे. जुड़े रहिए, लगातार वीडियोज को फॉलो करते रहिए, ठीक है? अगर आप एट डिस्टेंस रहते हैं, मतलब आपको इंग्लिश आपकी समस्या है, तो निश्चिंत रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन माध्यम से आपकी चीजें दूर हो. अगर आप नजदीक रहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में भी आ सकते हैं, जहां पे आप हमसे क्लासेस में भी इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है? और भी वीडियोज हैं, और भी लेक्चर जो चल रहे हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, हर जगह से कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा, ये हम आपसे बोल सकते हैं. तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं. नरेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं. अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलेबरेट करूं और चीजें समझाने की कोशिश करूं, तो बच्चों नरेशन जो है वो एक वर्ब से बना हुआ है, और आप सभी लोग जानते हैं कि नरेशन एक नरेट नाम की वर्ब से बना हुआ है, ठीक है? नरेशन जो है वो नरेट नाम की वर्ब से बना हुआ है. अगर इस नरेट को हम समझें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नरेट का मतलब होता है किसी चीज को या तो लिखना और या तो एक्सप्लेन करना, बोलना, ठीक है? और व्हेन यू राइट समथिंग, जैसे आप पोयम लिखते हैं तो यू नरेट अ पोयम ना, यू नरेट अ स्टोरी, आप एक स्टोरी कहते हो, बताते हो, ठीक है? तो राइट करना या स्पीक करना, ये मैंने, और या तो एक्सप्लेन करना या बताना किसी को. तो जब भी हम कभी नरेट के बारे में बात करते हैं तो हम राइट करने की बात करते हैं, स्पीक करने की बात करते हैं, बताने के बारे में बात करते हैं ना, टेल करते हैं. तो ये नरेट में हम चाहे जो भी बोले, चाहे तो हम क्या करें, बोलें अथवा चाहे हम लिखें, नरेट जब भी करेंगे तो 100% हम नरेट क्या करेंगे, एक कोई सेंटेंस को नरेट करेंगे, बोलेंगे, और या तो हम किसी एक स्टेटमेंट को बोलेंगे, मतलब कि कोई एक कथन जो होगा वो हम उसे बोलेंगे. तो व्हेन यू नरेट समथिंग, इट मींस आइदर यू स्पीक अ सेंटेंस और यू स्पीक स्टेटमेंट, या तो आप एक कथन को बोलेंगे और या तो क्या करेंगे, आप कोई एक सेंटेंस बोल देंगे. तो अगर मैं इसको बहुत इजी करूं और बताना चाहूं बच्चों, तो मैं या आप क्या इसे रिलेट नहीं कर सकते हो कि नरेट का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है? नरेट एक वर्ब है जिससे हम किसको, सेंटेंस को या स्टेटमेंट को बोलते हैं. तो जब हम नरेट को नाउन बनाते हैं तो ये बन जाता है नरेशन. और नरेशन के अंतर्गत हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेंटेंसेस की. तो हो सकता है आपको यह कठिन लगे कि स्पीच क्या होती है. तो अगर मैं आपको यह कहूं कि जो आप सेंटेंसेस बोलते हो उसी का ही तो कॉम्बिनेशन आपकी स्पीच होती है, अग्री? तो जो सेंटेंस बोलते हो उसी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्पीच होता है. तो क्या हमने इजी कर लिया क्या कि जब हम नरेशन का बात करें तो 100% हम किसकी बात कर सकते हैं, या तो सेंटेंसेस की बात कर सकते हैं और या तो हम स्पीच की बात कर सकते हैं, अग्री? तो जब हम नरेट नाम का वर्ब नरेशन से बना है और हम नरेट क्या करते हैं, हम नरेट करते हैं कोई स्टेटमेंट और या तो कोई एक सेंटेंस. और जब हम सेंटेंस या स्टेटमेंट बोलते हैं तो हम उसी को नरेशन कह सकते हैं. तो मैं इसको आप लोगों के लिए एकदम इजी करूं अगर, तो आपकी भी समझ डेवलप हो रही होगी धीरे धीरे कि नरेशन को हम रिलेट कर सकते हैं किससे, सेंटेंस से रिलेट कर सकते हैं बच्चों. और जब हम सेंटेंस को देखें या हम नरेशन को और बताएं, तो आप अपनी किताबों में पढ़ते होंगे कि नरेशन कैसा होता है. एक तो डायरेक्ट स्पीच में होता है, नरेशन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, और या तो हम लोग कैसा पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, राइट? और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस बात को प्रूफ किया है कि स्पीच का मतलब ही हम क्या काउंट कर सकते हैं, सेंटेंस. तो जरा सा जुड़िए, रिलेट करिए इसको कि अगर मैं चाहे इसे डायरेक्ट स्पीच बोलूं या तो मैं बच्चों बोल दूं डायरेक्ट सेंटेंस, कोई दिक्कत तो नहीं.
अगर मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलूं या इनडायरेक्ट सेंटेंस बोलूं अपनी समझ के लिए, यू हैव नॉट टू क्लेरिफाई एंड गो एंड लुक इनटू समथिंग सम बुक्स की, ऐसा तो लिखा नहीं है ना, आपको आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए, बिकॉज मैं आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो चीजें डेवलप करवाना चाह रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि यू हैव टू गो इन सम बुक्स एंड यू हैव टू फाइंड इट आउट, और नहीं मिले तो बोलोगे सर तो ऐसा बता रहे थे। आई जस्ट वॉन्ट टू रिलेट यू विद दिस, मैं आपको इससे रिलेट करके आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट डेवलप करवाना चाहता हूं कि जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं बच्चों, तो हम डायरेक्ट स्टेटमेंट भी है, डायरेक्ट सेंटेंस भी तो समझ सकते हैं, और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो हम इनडायरेक्ट सेंटेंस या इनडायरेक्ट स्पीच भी तो कह सकते हैं। अगर ये आपको थोड़ा सा इजी हुआ तो आइए हम एक एक करके शब्दों को समझते हैं। मैंने कहा कि जब हम नरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड आता है और वो होता है डायरेक्ट स्पीच, और एक वर्ड आता है जो होता है कौन सा, इनडायरेक्ट स्पीच। अब चाहे स्पीच लिखो बच्चे और चाहे सेंटेंस लिख दो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो स्पीच थोड़ा सा हो सकता है आपको नया नया सा लगे, लेकिन सेंटेंस से तो आप परिचित हो ना, स्टेटमेंट से तो परिचित हो, तो व्हेन यू हैव टू रिलेट विद समथिंग तो आप उसी बात को यूज करोगे जिसको जानते हो। तो चाहे आप डायरेक्ट स्पीच बोल दो और चाहे डायरेक्ट सेंटेंस बोल दो, इसमें कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो जब कभी भी हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस दो भागों में डिवाइडेड होता है। इन डायरेक्ट स्पीच द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू क्लॉजेस कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कोई क्लॉज होगा जो आरवी होगा, आरवी का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब, और सी वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब, और कोई एक ऐसा होगा जो आरएस होगा मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच होगा, समझो बात को। कि अगर मैं कहूं कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो आरवी होता है और एक आरएस होता है, आरएस का मतलब हो गया रिपोर्टेड स्पीच और आरवी का मतलब हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। अगर मैं इसको थोड़ा और क्लेरिफाई करूं तो मैं कहूंगा बच्चों ऐसा सेंटेंस लिखा होगा और कोई एक भाग ऐसा होगा जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद होगा और कोई एक ऐसा होगा जो सिंगल कॉमा के बाहर होगा। तो अगर इस चीज को देखें तो जो सिंगल कॉमा के बाहर होगा हम उसे आरवी कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा हम उसे आरएस कहेंगे मतलब रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। और ये दोनों किससे डिवाइडेड होंगे, तो एक सिंगल कॉमा से और एक इन्वर्टेड कॉमा से। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कभी कभी स्ट्रक्चर ऐसा भी मिल सकता है कि दो सेंटेंसेस लिखे होंगे और इन दोनों सेंटेंसेस में से बच्चे हो सकता है यहां पे कॉमा लिखा हो और ये पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच है, वो चाहे आगे हो और चाहे वो पीछे हो, और ये जो सिंगल कोमा के बाहर है ना ये क्या हो जाएगा, आरवी हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। बताओ यहां तक का ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी डायरेक्ट स्पीच का बात करोगे तो दिमाग में दो बातें घूमेंगी कि भाई वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, एक कोई आरवी होगा एक कोई आरएस होगा। आपको ये पता करना है कि आरवी कौन सा है, तो बोलो सिंगल कोमा के बाहर जो होगा वो आरवी होगा और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो आरएस होगा, या कह दो कि इन्वर्टेड कॉमास में जो होगा वो आरएस होगा, जो बचा होगा वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, आरवी हो जाएगा। समझ पा रहे हो इतना बात, ठीक है। या आप सिंपल समझ सकते हो ना भाई, जब दो पार्ट में है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, अग्री। जैसे एक आप सेंटेंसेस देखो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे अगर मैं यहां पे ये सेंटेंस लिख दूं कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, He said to me, I am your friend. तो अगर इस सेंटेंस को देखो तो क्या स्ट्रक्चर से पकड़ नहीं पा रहे हो, ये देखो कॉमास में बंद है तो ये आरएस हो गया, और ये सिंगल कॉमा के बाहर है तो ये क्या हो गया, आरबी हो गया। इजिली फाइंड आउट कर लो। आओ इसमें थोड़ी सी और बातें समझते हैं। अगर ये आरवी है और ये आरएस है, जैसा मैं ऐसा लिख देता हूं कि द टीचर, The teacher said, I shall help you in studying.
राइट। तो भाई ये आरवी वाला पोर्शन हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और ये वाला कैसा हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर इसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करूं, तो आप सभी को पता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, द टीचर। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। और ये जो सेड है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब है। एक क्लॉज यहां से कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले क्लॉज में देखेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन होगा, तो आई जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और ये जो विल मतलब शैल हेल्प लिखा हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हो जाएगी, मतलब ये यहां का सब्जेक्ट और क्या कहते हैं ये यहां का ऑब्जेक्ट। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, अभी पहले वाले स्ट्रक्चर में आरवी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं दूसरा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, जैसे मैंने कहा लिखा हो कि सी सेड टू मी, यू कैन विन दिस गेम, यू कैन विन दिस गेम, इतने ठीक। मतलब कि ये आरवी वाला पोर्शन हो गया। अब आरवी वाले पोर्शन में सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेड क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ये जो मी नाम का है ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब यहां से ये पता चला कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसके आरवी में कभी कभी ऑब्जेक्ट आता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता। जो आरएस है उसमें देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वाली वर्ब हो गई ना, ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक स्ट्रक्चर मैंने क्या समझाया कि ये जो बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ठीक है। और तीसरा स्ट्रक्चर देखो, दो स्ट्रक्चर समझ में आए कि नहीं, आरवी कैसा दिख सकता है, एक में ऑब्जेक्ट के बिना, एक में ऑब्जेक्ट के साथ। और थर्ड स्ट्रक्चर देखो, समझते चलो। मैंने लिखा है ही सेड, उसने कहा, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मोहन यू कैन विन द मैच, यू कैन विन द गेम, कुछ भी लिखो, ठीक। अब जरा सा समझो सेंटेंस को, ये यहां पे कॉमा लगा होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहां पे आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आरएस में कोई एक ऐसा नाउन दिया गया है जिसके बाद कॉमा लिखा हुआ है। तो ये टेक्निकली ना ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है, इसको अगर मैं ठीक करूं तो ऐसा हो जाएगा ही सेड टू मोहन ना, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू कैन विन द गेम। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये जरा सा समझो कि कभी कभी आपको सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तो नहीं, लेकिन उसको आरएस में लिख दिया जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में लिख दिया जाएगा। मतलब अगर सेंटेंस को समझो कि उसने कहा मोहन तुम मैच जीत सकते हो या तुम गेम जीत सकते हो, तो उसने किससे कहा, उसने मोहन से कहा। अगर इसको मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा ही तो है, तो ये जो मोहन यहां पे लिख करके कॉमा लिखा हुआ है ये आरएस का पार्ट नहीं है, आरएस में भले ही लिखा हुआ है लेकिन ये एक्चुअली यहां का ऑब्जेक्ट है। और नहीं समझ पाओगे तो आपको लगेगा कि यहां तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया। ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। फोर्थ स्ट्रक्चर देखो कैसा बन सकता है, लिखा होगा He said to me, ना मोहन you can win the game, right? अब देखो कहानी, ये कॉमा यहां लिखा हुआ है। अभी देखो यहां सब्जेक्ट भी है, यहां ऑब्जेक्ट भी है, और लेकिन यहां पर भी एक शब्द लिखा है जिसमें कॉमा लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसा कोई भी कॉमा वाला वर्ड होता है तो बेसिकली वो आरएस का पार्ट नहीं होता बल्कि वो आरवी का पार्ट होता है। लेकिन बच्चों जब यहां पे ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हम तो इसको उठा के ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन यहां देखो थोड़ा डिफरेंट है, यहां तो ऑब्जेक्ट भी दिया गया है और एक वर्ड भी दिया गया है। ये तो तय है कि ये वाला वर्ड आरएस का नहीं है बल्कि कहां का है, आरवी का है। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को कुछ ऐसा समझेंगे जैसे उसने मुझसे कहा कि मोहन
तुम मैच जीत सकते हो या गेम जीत सकते हो। तो मोहन किसको कहा है? मुझे ही। तो मोहन नाम से संबोधन किसको किया है? मुझे ही संबोधित किया है। तो ये मोहन जो है एक्चुअली इसका पार्ट है, आरबी का पार्ट है, ना कि आरएस का पार्ट है। तो जब हम इसको यहां से हटाना चाहेंगे तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि एड्रेसिंग एज मोहन, एड्रेसिंग एज मोहन, कि मोहन की तरह एड्रेस करते हुए ही, ठीक है। अब आगे जो भी लिखा हो, ही टोल्ड मी, मतलब इस वाले पार्ट को हम ऐसा ला करके कंप्लीट करेंगे। अगर वहां सुरेश लिखा होता तो मैं कहता एड्रेसिंग एज सुरेश। अगर यहां लिखा होता ही सेड टू मी माय फ्रेंड, अगर यहां माय फ्रेंड लिखा होता तो हम क्या कहते एड्रेसिंग एज माय फ्रेंड ही टोल्ड मी। तो समझे आप बात को, कि अगर यहां देखो, फिर से मैं एक चीज को समझा रहा हूं, अगर यहां मी नहीं होता मेरे बच्चों तो हम मोहन को ऑब्जेक्ट बना देते केवल, मतलब ही सेड टू मोहन या ही टोल्ड मोहन जो भी होता, हम इसे केवल ऑब्जेक्ट बना के रख देते। लेकिन जब यहां पहले से ही दिया गया है कि टू मी, ऑब्जेक्ट पहले से दिया हुआ है, तो ये एड्रेसिंग एज करके सॉल्व किया जाएगा। तो आपने देखा कि नहीं देखा, जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, आरबी और आरएस में। आरबी के अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, आरएस के अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आरबी का ऑब्जेक्ट आरएस में दे दिया जाता है, और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आरबी का एड्रेसिंग आरएस में दे दिया जाता है। तो अब आपको कैसे भी स्ट्रक्चर मिल जाए डायरेक्ट के, आप आसानी से समझ जाओगे ना कौन किसका भाग है, कहां पे लगाया गया। अगर ये डायरेक्ट स्पीच थोड़ा सा समझ में आया है तो आइए हम लोग थोड़ी सी बात इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में करते हैं। अरे भाई ध्यान दे लो, यहां से स्टार्ट हुआ था डायरेक्ट स्पीच ना, और डायरेक्ट स्पीच के बारे में मैंने कहा था ये इतनी बातें होती हैं, और यहां तक डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हुए फिर हम आगे आए थे किस तरह के स्ट्रक्चर आ सकते हैं। और स्ट्रक्चर जब आप समझ गए तब हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में थोड़ी सी बातें जानो, बेसिक है, समझो बात को, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चंस लेके आएंगे, जितना इजिली ये समझा रहे हैं उतना इजिली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाएंगे, बेसिक को लेकिन थोड़ा समझते चलो, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात करूं इनडायरेक्ट स्पीच की, तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो आरबी और आरएस होता है ना बच्चे, इसको किसी एक कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है। पहला पॉइंट याद रखना, आरबी और आरएस को किसी ना किसी एक कंजंक्शन से जोड़ दिया जाता है, और जब आरबी आरएस कंजंक्शन से जोड़ दिया जाएगा तो ये सारे के सारे कॉमास हटा दिए जाएंगे। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हम दोनों पार्ट को किसी एक उपयुक्त कंजंक्शन से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब वो कंजंक्शन कौन से होते हैं, दैट होगा, हम प्रपोजिशन से जोड़ करके इन्फिनिटिव बना देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे, इफ या वेदर लगा देंगे, वी शैल बी टॉकिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है ना, इन फर्दर लेक्चर्स। लेकिन अभी अगर मैं बोलूं इनडायरेक्ट स्पीच कैसा होता है, तो मैं बोलूंगा ये वैसा होता है कि हम आरबी और आरएस को नंबर एक किसी एक कंजंक्शन से जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर इतना कर चुके हो तो नंबर दो क्या करते हैं कि हम जो है आरबी का जो टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें भी चेंजेस कर देते हैं। देखो अभी ये अलग अलग था ना, अभी जब दोनों अलग अलग थे तो दोनों इंडिपेंडेंट थे, ये किसी और टेंस में हो सकता है, ये किसी और टेंस में हो सकता है। लेकिन जब हम दोनों को एक कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो क्या इसका टेंस इसको अफेक्ट नहीं करेगा, करेगा भाई। अगर हम ये अलग था तो ये मान लो कंटिन्यूअस में था प्रेजेंट के, ये वाला पास्ट में था, तो अभी अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आरबी और आरएस में चीजें अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब हम उसको किसी एक कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो अब तो ये तो पूरा का पूरा एक हो गया ना, और जब पूरा का पूरा एक हो गया तो क्या चीजें मैच नहीं करवानी पड़ेंगी, क्या इसके टेंस के अनुसार इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो मिसमैच हो जाएगा और सेंटेंस ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा, ठीक है। तो कंजंक्शन से जोड़ने के साथ साथ हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि हम परिवर्तित करते हैं टेंस, क्या बदलते हैं, हम टेंस बदलते हैं, हम आवश्यकता अनुसार पर्सन को चेंज करते हैं आरएस की, हम आवश्यकता अनुसार कुछ शब्दों को भी चेंज करते हैं ना, और इसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर को भी चेंज करते हैं। मतलब कि जैसे
अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखूं, एक मिनट के लिए मैं पीछे आ रहा हूँ, आगे सेंटेंसेस देख लूं तब तक। जैसे मैं कहूं यहां पे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कि ही सेड टू मी, और फिर आगे सेंटेंस लिख दिया कि यू विल हैव टू विजिट दैट प्लेस, ठीक है। अब जरा सा समझो, ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, कर्ता से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से, हम इसे एसर्टिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं बच्चे, तो आर भी मान लो एक ही है, और मैं आरएस में लिख दूं ऐसा, विल यू विजिट दिस प्लेस, सॉरी, विल यू विजिट दिस प्लेस। अब जरा सा सेंटेंस को देखो, ऊपर वाले में फुल स्टॉप लगा हुआ था, यहां वाले में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आरबी एकदम ऐसे ही रखें और हम आरएस में कैसा लिख दें, ऐसा लिख दें कि डू नॉट या डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर फिर बदल गया। अगर मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये पूरा का पूरा ऐसा ही रहे और यहां वाली लाइन कुछ ऐसी बन जाए, अलास ही इज डेड, ठीक। आप देख रहे हो ना, ये जो डायरेक्ट स्पीच हो रही है इसमें स्ट्रक्चर्स अलग अलग आ सकते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये तो इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, ये इंपरेटिव वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला एक्सक्लामेटरी का स्ट्रक्चर है, इसी के बाद हम ऑप्टेटिव भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम तो आरबी और आरएस में अलग अलग टेंसेस भी यूज कर सकते हैं। देखो रिपोर्टिंग, अब वो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ये पास्ट टेंस में है, ये तो फ्यूचर का प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में है, ये फ्यूचर में है, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है। तो जब दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो देयर इज नो एरर कि दोनों अलग अलग हैं तो टेंसेस भी अलग अलग हो सकते हैं। बट एक मिनट के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि अगर मैं कर दूं ही सेड टू मी को जैसा चेंज करते हैं वैसा चेंज करने के लिए, आगे बताऊंगा ये सेड टू को बदल करके मैंने मान लो टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड मी कर दी, फिर नियमानुसार हम इस कंजंक्शन को हटा करके दैट लगा दें। अब जैसे ही कंजंक्शन को हटा करके बच्चे क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, अब तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक हो जाएगा, और जब पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा एक, तो बताओ क्या इसका टेंस अगले वाले को अफेक्ट नहीं करेगा, करेगा। अलग अलग थे तो तुम चाहे जैसे रह जाओ, तुम पास्ट टेंस में रहो, प्रेजेंट में रहो, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जब तुम इसके साथ आ गए हो तो क्या ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में नहीं करोगे क्या, चेंज करोगे। और बच्चे जब ये अलग था तो यू भले ही हो जाता, लेकिन जब इससे जोड़ दोगे तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें इस जगह पे विजिट करना पड़ेगा, तो तुम्हें मतलब कौन, मैं, मुझे ही तो कह रहे ना, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें इस प्लेस को विजिट करना पड़ेगा, तो जब जोड़ोगे तो क्या यू का रिलेशन मी से नहीं स्टैब्लिश होगा क्या, यू का रिलेशन मी से स्टैब्लिश होगा तो क्या हम यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर देंगे क्या। दोनों अलग अलग है, आरबी अलग है, आरएस अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैसे भी रह लो, बट वेन यू आर ज्वाइंट विद सम कंजंक्शन, आप किसी कंजंक्शन के साथ जुड़ जाओगे तो आपको तो भाई एक फैमिली में आए हो तो उसके हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो देखो जैसे उसने मुझसे कहा कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तो किसको कहा, मुझे कहा, तो ये चूंकि यू इसके लिए अफेक्ट हुआ है, इसके लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यू का परिवर्तन इसके हिसाब से कर देंगे। आगे चल के बताएंगे कि सब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड को ऑब्जेक्ट, वो तो रूल है। अभी सेंटेंस की कंसेप्ट को समझो कि उसने मुझसे कहा कि तुम्हें इस प्लेस को विजिट करना पड़ेगा, तो ये तुम्हें कौन है, तुम्हें मैं ही तो हूं, मुझे ही तो कह रहा है, तो क्या ये तुम्हें मुझे के अनुसार चेंज नहीं हो जाएगा क्या। जब ये पास्ट है बच्चे, तो क्या ये भी पास्ट में नहीं जाएगा क्या, टेंस नहीं मैच कराओगे क्या। और अगर यहां पे लिखा हुआ है, अब देखो दैट तो ऑलरेडी पास्ट में है, दैट तो ऑलरेडी पास्ट में है, तो दैट को चेंज करने का जरूरत नहीं। एक मिनट के लिए सोचो, मैंने इसको बदल करके दिस कर दिया, अगर सोचो जरा, अगर मैं इसको बदल के दिस कर दूं तो यहां तो पास्ट टेंस का बात हो रहा है, इसके साथ ले आने के लिए हमने इसको भी पास्ट में कर दिया,
तो क्या इसी के साथ प्रयोग करने के लिए इसको भी पास्ट में नहीं करोगे क्या? बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, कंजंक्शन से किसी को जोड़ देते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आगे के टेंस और पर्सन को भी चेंज कर देते हैं। यही तो बात हमने यहां पे करी हुई है कि हम टेंस को चेंज कर देते हैं, हम पर्सन को जरूरत के हिसाब से चेंज कर देते हैं, हम शब्दों को भी चेंज कर देते हैं। देखो, दिस का दैट हो गया था, इसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर को भी चेंज करते हैं। आओ इसको भी समझाते हैं, स्ट्रक्चर क्या मामला है। देखो, यहां का स्ट्रक्चर तो कोई दिक्कत नहीं है, कंजंक्शन का एक नेचर होता है। देखो, कंजंक्शन का नेचर क्या होता है समझ लो, यहां पे समझा देते हैं। कंजंक्शन का एक नेचर होता है कि जब कभी भी बच्चों कोई भी कंजंक्शन यूज होगा, अब आप मेरे से कोई बच्चा मैसेज कमेंट करके ये कह दे कि सर टू भी तो कंजंक्शन होता है, टू के साथ तो सब्जेक्ट नहीं लगाते हो आप बच्चे, टू तो प्रपोजिशन होता है जिसको हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं। समझना बात को ना, आपको समझाने के लिए ट्वेल्थ में भले ही कहा जाता है कि कंजंक्शन है, टू कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे ना, बट ऐसा होता नहीं। कंजंक्शन जो है जब भी यूज होगा, इसके बाद हमेशा और हमेशा किसको यूज करना पड़ेगा आपको? सब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा, भूलना नहीं भाई, याद रखना। अगर मानो मैं कह दूं कि वेन एक कंजंक्शन है, तो वेन के बाद वाक्य जो शुरू होगा ना, वो ही हैज तो हो सकता है, लेकिन हैज ही नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? तो कंजंक्शन ऑलवेज फॉलोज सब्जेक्ट। कंजंक्शन के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में ही, मतलब कंजंक्शन के बाद जब भी कोई क्लॉज स्टार्ट होगा, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, वो हमेशा सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा। इसको इतना जोर देके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे समझो, जरा सा ये वाले वाक्य को समझो। अगर मैं यहां पर कंजंक्शन, मान लीजिए कि मैंने इसको सेड को आवश्यकता अनुसार आस्ट में बदल दिया, टेंशन नहीं लो कैसे बदल रहा है, बताऊंगा आगे चल के। लेकिन अगर आस्ट में बदल दिया बच्चे, और उसके बाद कंजंक्शन मैंने इफ लगा दिया, मान लीजिए वहां पे दैट लगता है, यहां पे इफ लगता है, रूल्स अलग अलग है। थोड़ी देर एक दो दिन की क्लास ज्वाइन कर लोगे ना, तो फिर आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, कभी टेंशन लेने वाला जरूरत नहीं पड़ेगा, परेशान मत होइएगा। अब देखो, विल यू है, ये तो तय है कि यहां पास्ट है तो ये वुड में होगा, सहमत हो? ये पास्ट है तो इसको भी तो जोड़ोगे वहां पे। दिस प्लेस होगा तो ये भी बदल करके कहां जाएगा, दैट प्लेस हो जाएगा, सब वैसा ही बदलेगा। मामला केवल एक रुका हुआ है कि जब ये कंजंक्शन है तो इसके बाद वुड लिखो। अब यू है तो यू भी मी के हिसाब से आई बन जाएगा। अब बस मुझे ये समझाना है या आपको ये समझना है कि वुड आई होगा या आई वुड होगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि कंजंक्शन किसको फॉलो करता है, सब्जेक्ट को। और कंजंक्शन अगर सब्जेक्ट को फॉलो करता है तो बताओ, अगर इफ कंजंक्शन है तो इफ के बाद आई वुड लगाना बेहतर होगा या वुड आई लगाना बेहतर होगा? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो फिर आई वुड लगाना बेहतर होगा ना कि वुड आई। तो ये कैसा हो जाएगा, आई वुड। यही तो इतनी देर से समझा रहे थे कि स्ट्रक्चर भी बदलेगा। यहां का स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव था, लेकिन जब इनडायरेक्ट बन गया तो स्ट्रक्चर एसर्टिव हो गया। और इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, उसमें आरएस के हिसाब से देखो, यहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहां फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहां देखो ये वाला मार्क लगा हुआ है ना, अलग अलग लगेंगे। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो कंजंक्शन के बाद तो हमेशा करता आएगा, और जब सब्जेक्ट से कोई चीज स्टार्ट होती है तो अंत में कौन सा स्टॉप केवल लगता है। तो ये आप समझ गए ना कि आरवी में, मतलब रिपोर्टेड सॉरी डायरेक्ट स्पीच में डिफरेंट स्ट्रक्चर आ सकते हैं और डिफरेंट सिंबल आ सकते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसमें हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग क्यों किया जाएगा? क्योंकि कंजंक्शन जैसे ही बनेगा, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, और सब्जेक्ट का यूज होगा तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, एसर्टिव। एसर्टिव स्ट्रक्चर हो जाएगा तो फिर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और यही तो यहां पे बात बोली थी ना, कभी कभी स्ट्रक्चर भी चेंज होंगे, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को समझो, ये वाला। यहां पे अगर मैं वेन को लिख रहा, तो वेन को देखो, वेन डू यू कम, आई नो वेन डू यू कम, ये वेन जब बीच में यूज हुआ है, तो वेन ये जो है वो किसकी तरह यूज हुआ है, कंजंक्शन की तरह। किसकी तरह, कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है।
वाई वॉट वेन, जब ये सेंटेंस के बीच में यूज होता है तो चाहे आप इसे रिलेटिव प्रोनाउन कह दीजिए कभी कभी, और कभी कभी इसे कंजंक्शन के रूप में भी यूज करते हैं। तो चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन सारे नहीं होते हैं, ठीक है ना, चार ही यूज होते हैं, हु होता है, हुम होता है, विच होता है और दैट होता है ना। और जब भी कभी डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं तो एक्चुअली वो कंजंक्शन बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल से और मैं समझाता हूँ, अगर इसकी शुरुआत ऐसे होती वेन डू यू कम, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव होता, क्योंकि यहां पर ये विल से वाक्य स्टार्ट हो रहा है ना, और इसलिए ये कंजंक्शन नहीं बल्कि एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब कभी कहीं पर एडवर्ब लगता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट मतलब इंटरोगेटिव या इन्वर्जन को फॉलो करता है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी याद रखिए, वर्ड्स आपको नए नए मिल रहे होंगे, कहीं इन्वर्जन बोल दे रहा हूं, कहीं पे इंटरोगेटिव बोल दे रहा हूं ना, ऐसे ही लेक्चर्स में पढ़ते पढ़ते ये सब वर्ड्स क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पहले से आता है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे करके हम आपकी पूरी मदद करेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि क्या चीजें सही है। आइए ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए, ये वेन अगर कंजंक्शन है बच्चों, तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था जरा सा बताओ, कि जहां कंजंक्शन होता है उसके बाद क्या लगना चाहिए, सब्जेक्ट की वर्ब सब्जेक्ट लगना चाहिए। तो बताओ व्हेन डू यू कम सेंटेंस गलत है ना, क्या होना चाहिए था, व्हेन यू कम हो, केम हो, कुछ भी लिख दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन आप बताओ क्या ऐसा स्ट्रक्चर सही होगा या डू यू कम वाला सही होगा। अगर इसको मिटा दे यहां से तो व्हेन डू यू कम एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, वो चलेगा, लेकिन जब ये व्हेन वी बीच में आ गया है ना तो वो कंजंक्शन हो गया, और कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं। और एग्जांपल्स देखो और चीजें समझ में आती चली जाएंगी। अगर मैं कह दूं कि ही ही सेज व्हाट डज ही थिंक, और एक और सेंटेंस आपकी समझ के लिए लिख दे रहे हैं व्हाट से शुरू करके, व्हाट डू यू थिंक, समझो सेंटेंस को। अगर भाई साहब ये बीच में आया है तो ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा, और अगर ये शुरू में आया है, स्टार्ट में आया है, तो बताओ किसकी तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा। एडवर्ब को कौन चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और करता चाहिए, स्ट्रक्चर सही है। लेकिन अगर कंजंक्शन है तो कंजंक्शन को हेल्पिंग वर्ब और करता तो नहीं चाहिए ना, कंजंक्शन को तो कैसा चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करोगे तो ही थिंक्स हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा ही सेज व्हाट ही थिंक्स, समझ पा रहे हो। तो याद रखना कि जब कभी कंजंक्शन होगा तो कंजंक्शन के बाद क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट को फॉलो करोगे, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्वेश्चन यहां से बनता है, ऐसे सेंटेंसेस लिख देगा और आपसे बोलेगा गलत है या सही है जरा सा बताओ, ऐसे लिख देगा ही आस्क्ड, देखो अभी बताया नहीं कैसे बनाओगे कैसे, लेकिन समझो स्ट्रक्चर को मिस्टेक कैसे बना देता है। ही आस्क्ड मी व्हेन हैड आई रीच्ड That place, ठीक है सेंटेंस। ऐसा एरर बनाने के लिए चार पार्ट कर सकता है, बोलेगा एक पार्ट यहां पे हो गया, ऐसा एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फिर लास्ट में नो एरर कर देगा और बोलेगा मिस्टेक बताइए। तो कुछ दिक्कत नहीं करनी, आपको एक बात बताओ, इतना देर से पढ़ रहे हो, क्या वेन बीच में आके कंजंक्शन नहीं है, बोलो है कि नहीं, कंजंक्शन है कि एडवर्ब, कंजंक्शन होगा ना, एडवर्ब कब होगा, जब स्टार्टिंग में आएगा, स्टार्ट में आएगा सेंटेंस में, व्हेन इट इज स्टार्टिंग अ सेंटेंस। जैसे मैंने कहा व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग में व्हेन एक एडवर्ब, लेकिन अगर उसी व्हेन को बीच में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कंजंक्शन बन जाएगा। और बच्चों बताओ कंजंक्शन के बाद इंटरोगेटिव आएगा या सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगी ना, तो बताओ व्हेन के बाद हैड आई होगा या आई हैड होगा, आई हैड होना चाहिए ना, तो इस तरह की मिस्टेक हो जाएगी, तो आपका सी पार्ट में एरर है, ऐसे दे देगा ए बी सी
और डी लास्ट में ई। बताओ किस पार्ट में एरर है? तो आपका बी पार्ट जो है, नहीं बी नहीं सी सॉरी सी पार्ट एरर है, यहाँ से पार्ट अलग हो गया है ना। ठीक अब क्यों पढ़ोगे? अच्छा चलो मैं कुछ आसान कर देता हूँ आपके लिए। बी और सी में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो ठीक ये देख लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और नो एरर वाला ई है। तो किस पार्ट में एरर है? इस वाले में। व्हेन में गलती नहीं है, व्हेन के बाद के स्ट्रक्चर में गलती है, तो सी पार्ट आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कंजंक्शन वाला ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में है। चलिए देखते हैं एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं क्या क्या आज सीखा। हमने सीखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने कहा डायरेक्ट स्पीच जो होती है, ठीक है इसको एक बात और समझ लीजिए। मैंने कहा डायरेक्ट स्पीच का मतलब है ए ने बी से कोई बात कह दी, तो जब वक्ता के कहे हुए शब्दों को जस का तस मतलब एज इट इज सुना जाए, जैसे मैं जो कहूं वही आप सुनो, जैसे मैं कह दूं कल क्लास नहीं चलेगी तो आपने वही सुना, आपने वही सुना जो मैंने कहा। लेकिन अगर मैं किसी एक थर्ड व्यक्ति को बोल दूं कि बच्चों से बता दो कि कल क्लास नहीं चलेगी, तो वो आकर के ये थोड़ी ना कहेगा कि किसी बच्चों से बता दो कि कल क्लास नहीं चलेगी, वो बोलेगा कि सर ने कहा है कि बच्चों कल क्लास नहीं चलेगी। तो देखो जब मैं जो बोलूं वही आप सुनो तो ये डायरेक्ट स्पीच है। जब वक्ता के कहे हुए शब्दों को जस का तस एज इट इज लिखा जाए तो वो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जब वक्ता के कहे हुए शब्दों को अपनी भाषा में बिना मतलब बदले किसी व्यक्ति से कहा जाए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का ये भी एक डिफरेंस है जो बुक्स में आपको मिलेगा। बेसिकली हमें जब एग्जाम टैकल करना है तो एग्जाम के लिए हमें ये समझना है कि नरेशन क्या होता है। तो मैंने कहा नरेशन कुछ और नहीं है बल्कि सेंटेंसेस हैं। डायरेक्ट जो होता है उसमें दो क्लॉजेस डिवाइडेड होते हैं, इनडायरेक्ट में दोनों को जोड़ देते हैं, तो वही मैंने कहा नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट सेंटेंस या इनडायरेक्ट सेंटेंस कह सकते हैं। फिर मैंने कहा डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर दी। स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग मिलेंगे, तो मैंने कहा ऐसा स्ट्रक्चर मिल सकता है या कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर मिल सकता है या कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो कब हम इसको एड्रेस की तरह यूज करेंगे, कब इसको हम लोग आगे ले आएंगे, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। फिर एक और बात में मैंने समझाया कि स्ट्रक्चर को कैसे देखेंगे, ठीक है। फिर आगे की स्लाइड में मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट स्पीच कैसा होता है और क्या क्या उसमें करते हैं। फिर मैंने आपको आगे सेंटेंसेस समझाए हैं कैसे चीजों को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, कल वाली क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को बनाया कैसे जाता है। तो दो प्रकार के जो चेंजेस होते हैं, जनरल चेंजेस होते हैं, स्पेशल चेंजेस होते हैं। तो आई शैल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, इन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन दिस प्लेटफॉर्म टीसीएस पाठशाला, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि वीडियोस कंटिन्यू होने चाहिए, तो जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। कोई अगर आपको सुधार की भी आवश्यकता लगे तो जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है, और लगातार जुड़े रहिए पूरे के पूरे टॉपिक्स को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना कि आपको कंफ्यूजन जैसा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।